So, good afternoon. Yesterday we have done the two types of reaction, that is combination reaction and decomposition reaction. And today before we before starting the new type of reaction, this is the slide which is representing the reactivity series, which is representing the reactivity series. ठीक है, ध्यान से देखो जरा. ठीक है, reactivity series. You can note this reactivity series in your notebooks, and if you don't want to note it down, तो आपकी NCERT के बीच में chapter third निकल के आ रहा है, metals and non-metals, उसके बीच में ये reactivity series already आपको दी हुई है. ठीक है, so before starting next type of reaction, we are going to start with the reactivity series today. ठीक है, reactivity series क्या बता रही है, हम उसके ऊपर बात कर रहे हैं. ठीक है, so reactivity series के बीच में सबसे पहले हमारे पास क्या निकल के आ रहा है, potassium निकल के आ रहा है. एंड वी कैन सी कैल्शियम तक. ठीक है, कल हमने कैल्शियम की रिएक्शन की थी, कैल्शियम तक. ठीक है, जितने भी मेरे पास स्टार्टिंग में एलिमेंट्स निकल के आ रहे हैं, ऑल दिस एलिमेंट्स मैंने एरोस बनाकर शो किया हुआ. ठीक है, रिएक्ट्स विद वॉटर. ठीक है, अगर इसकी रिएक्शन विद वॉटर की बात की जा रही है, तो इट मीन्स अगर ये वॉटर के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, तो ये हाईली रिएक्टिव है. दीज आर हाईली रिएक्टिव. ठीक है, इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल हाई रिएक्टिव का यहां पर मतलब क्या निकल गया था, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पोटाशियम या सोडियम को, ठीक है, वॉटर के बीच में भी डालेंगे, इवन देन दे गेट कैच फायर. ठीक है, बड़ी जल्दी आग लग जाती है, ये पानी के साथ भी रिएक्शन करके आग लगा लेते हैं. ठीक है, ओपन एयर में भी अगर आप छोड़ोगे तब भी इन्हें आग लग जाती है, इतने ज्यादा हाईली रिएक्टिव है. मतलब कि वॉटर के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, ये उसकी ऑक्सीजन को भी यूटिलाइज करके कंबशन का रिएक्शन कर देते हैं, इतने ज्यादा हाईली रिएक्टिव है. ठीक है, देन आगे नेक्स्ट मेरे पास निकल के आ रहे हैं मॉडरेटली रिएक्टिव. ठीक है, ये जो येलो कलर का हमारे पास निकल के आ रहा कॉलम, ये है मॉडरेटली रिएक्टिव. मतलब इतने ज्यादा रिएक्टिव नहीं है, मॉडरेटली रिएक्टिव है, मतलब डायरेक्ट वॉटर के साथ एकदम से रिएक्शन नहीं करते ये. ठीक है, बट हाँ ये एसिड्स के साथ रिएक्शन बहुत अच्छी तरह से करते हैं. ठीक है, तभी यहां पर मेरे पास कॉलम निकल के आ रहा है रिएक्ट्स विद एसिड्स. तभी मेरे पास यहां पर कॉलम निकल के आ रहा है रिएक्ट्स विद एसिड्स, एसिड्स के साथ रिएक्शन करते हैं. ठीक है, तो इसमें मेरे कौन कौन से एलिमेंट्स निकल के आ रहे हैं, मैग्नीशियम. ठीक है, इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स मेरे पास निकल के आ रहे हैं, दैट इज मैग्नीशियम, यहां से रेड कलर का मैंने शुरू कर दिया, एल्यूमिनियम, मैगनीज, जिंक, क्रोमियम, आयरन, कैडमियम, कोबाल्ट, निकल, टिन, लेड, ये जितने भी मेरे पास एलिमेंट्स निकल के आ रहे हैं, ठीक है, मेटल्स निकल के आ रहे हैं, दे आर मॉडरेटली रिएक्टिव. देन हाइड्रोजन. अब हाइड्रोजन इज ऑल्दो ए नॉन मेटल. हाइड्रोजन क्या है, एक नॉन मेटल है. ठीक है, बट स्टिल रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के बीच में इसे जगह दी गई है. ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के बीच में इसे जगह क्यों दी गई है, हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के बीच में भी ये क्वेश्चन को करेंगे, यहां पर भी थोड़ा सा कवर करेंगे. रीजन बीइंग हाइड्रोजन शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. अब यहां पर हाइड्रोजन इज यूज्ड टू कंपेयर. ठीक है, मतलब यहां पर हाइड्रोजन को यूज किया गया क्योंकि कंपैरिजन के लिए. ठीक है, यहां पर हमने जितनी भी ये रिएक्टिविटी सीरीज निकाली है, ठीक है, ये सारी की सारी रिएक्टिविटी सीरीज मेरी किसके साथ निकल के आ रही है, बाय कंपेयरिंग हाइड्रोजन विद दी अदर मेटल्स, बिकॉज हाइड्रोजन इज ए नॉन, ऑल्दो इट इज ए नॉन मेटल, बट इट एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स ऑल्सो समटाइम्स. ठीक है, मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी शो करता है, इसलिए इन्हें बोला जाता है, मतलब इसलिए इसे रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स के अंदर जगह मिली हुई है. देन हमारे पास नेक्स्ट निकल के आ रहे हैं हाईली अनरिएक्टिव. ये जल्दी रिएक्शन नहीं करते, जल्दी रिएक्शन में सबसे पहले तो गोल्ड निकल के आया था, ये जल्दी रिएक्ट नहीं करते, प्लेटिनियम निकल के आया था, सिल्वर निकल के आया था. ठीक है, अब आप देखिए जितनी भी ज्वेलरी बनती है आपकी, ठीक है, सिल्वर, गोल्ड या प्लेटिनियम की बनती है. ठीक है, अब अगर आप ज्वेलरी की बात करें, आपके घर में भी होगी, तो आपको कुछ ऐसे होते हैं ज्वेलरी के, कुछ ऑर्नामेंट्स ऐसे होते हैं जो आपकी मतलब एक जनरेशन से नेक्स्ट जनरेशन में चलते आ रहे, पता नहीं कितने सालों से चलते आ रहे हैं. ठीक है, या और सोचो, आप हरमंदिर साहिब जाते हो, हरमंदिर साहिब को हमने गोल्डन टेंपल का नाम दिया हुआ,
अब वहां पर गोल्ड की क्या की हुई है, कवरिंग की हुई है, ठीक है। अब वो गोल्ड महाराजा रणजीत सिंह ने चढ़वाया था, ठीक है, मतलब महाराजा रणजीत सिंह ने वहां पर गोल्ड की प्लेट्स वहां पर लगाया। अब 200-300 साल तो हो ही गए होंगे, ठीक है, सेम गोल्ड अभी तक वहां पर लगा हुआ। गोल्ड इज अनरिएक्टिव, मतलब अगर आप ओपन एयर में भी रख दोगे तो जल्दी किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता, ठीक है, जल्दी रिएक्शन ना करने के कारण इसे बोला जाता है अनरिएक्टिव। इसी कारण जो जल्दी रिएक्ट नहीं करते, ठीक है, उनकी वैल्यू भी ज्यादा है हमारे पास, ठीक है। सो डिपेंडिंग अपॉन दीज रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, हमारे पास आगे निकल के आएगी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सो रिएक्टिविटी सीरीज के साथ कंपेयर करते हुए हम डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज को समझ के, ठीक है। इतना क्लियर हुआ रिएक्टिविटी सीरीज, थोड़ी बहुत समझ में आई क्या होती है। हालांकि रिएक्टिविटी सीरीज के ऊपर आगे जाके हायर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स थर्ड चैप्टर के ऊपर जाके बहुत ज्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं, यहां पर बस आप रिएक्टिविटी सीरीज को दिमाग में रखिए, ठीक है, या सामने रखिए। मूविंग ओवर, मैं आगे जा रहा हूं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की तरफ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है, इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए मोर रिएक्टिव मेटल, हमने रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर हमने रिएक्टिव, हाईली रिएक्टिव, मॉडरेटली रिएक्टिव एंड हाईली अनरिएक्टिव मेटल्स के बारे में पढ़ा। अब यहां पर इसने कंडीशन ही क्या दे दी, कितना मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव, ठीक है। अब सीरीज के अंदर इस तरह से थे, यहां पर था मोर रिएक्टिव, अगर सीरीज की बात करूं यहां पर था मोर रिएक्टिव, यहां पर था मॉडरेटली रिएक्टिव, ठीक है, यहां पर क्या था मॉडरेटली रिएक्टिव, तो यहां पर क्या था अनरिएक्टिव। अब उसने क्या बोला मोर रिएक्टिव, ठीक है, मतलब पोटेशियम से शुरू कर दो के एन ए, ठीक है, मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस लेस रिएक्टिव मेटल, लेकिन मेटल्स की ही रिप्लेसमेंट होगी, यह ध्यान में रखिएगा, सिर्फ मेटल्स की रिप्लेसमेंट होगी, ठीक है। इन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन ए मोर रिएक्टिव मेटल, नोट कर दो इसे, displaces a less reactive metal, but a less reactive metal cannot displace a more reactive metal. For example, मैं यहां पर मान के चल रहा हूं, ठीक है, A, ठीक है, मैं A को मान के चल रहा हूं less reactive, ठीक है, already यहां पर given है A is less reactive, C is more reactive, C is more reactive. अगर C more reactive है तो C ने क्या किया, C ने A को यहां से डिस्प्लेस कर दिया, यहां पर नजर आ रहा आपको, ठीक है, डिस्प्लेस कर दिया, यही बोला हुआ उसने, डिस्प्लेसेस ए लेस रिएक्टिव मेटल, यहां पर डिस्प्लेस कर दिया और एक अपना कंपाउंड तैयार कर लिया, ठीक है। दिस इज द ओवरऑल व्यू, ये रिएक्शन याद रखिएगा, नोट कर लो ये रिएक्शन, ठीक है, दिस इज द ओवरऑल व्यू ऑफ ए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हाउ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इज अकरिंग, इसे समझने की कोशिश करते हैं अगली स्लाइड में, ठीक है, नोट कर लिया यहां तक आपने, चलो आगे बढ़ रहे हैं। अभी तेजिंदर नहीं आया आज, उज्जवल आया, ये युवम है, युवम मैं कह रहा, उज्जवल ने लगाई नहीं कभी क्लास, चलो ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास क्या निकल के आ रहे हैं, यहां पर फाइव बिकर्स निकल के आ रहे हैं, यहां पर देखिए फाइव बिकर्स आ रहे हैं, ठीक है, अब ध्यान से देखो इसे फाइव बिकर्स को अच्छी तरह से, मैं स्क्रीन के पास लेके जा रहा हूं इसे, ठीक है, मेरे पास फाइव बिकर्स है यहां पे, ठीक है, विजिबल है, ठीक है। अब पहले बिकर में क्या प्रेजेंट है, ठीक है, पहले बिकर में मेरे पास प्रेजेंट है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ठीक है, दूसरे बिकर में प्रेजेंट है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, ठीक है, तीसरे बिकर में मेरे पास प्रेजेंट है जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है, फोर्थ बिकर में मेरे पास प्रेजेंट है FeSO4 प्लस
कॉपर, एंड फिफ्थ बिकर में प्रेजेंट है जिंक सल्फेट प्लस आयरन। अब ध्यान देखो ये चीज निकल के आ रही है मेरे पास, ठीक है। आपको बताना है किस किस बिकर के अंदर मेरी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अक्कर करेगी, ठीक है। किस बिकर के, नोट कर लो आप, बिकर में ड्रॉ करने लग जाना, आप सिर्फ ये चीज नोट करो कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, ठीक है, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, ये चीज नोट करो बस, ठीक है, ये चीज नोट करके चलो बस, ठीक है, कर ली नोट, ठीक है। अगली स्लाइड पे जा रहे हैं, ठीक है। अब मेरे पास ये चीज निकल के आ रही है, अब कंपैरिजन किसके साथ करना है हमने, अब कंपैरिजन करना है हमने रिएक्टिविटी सीरीज के साथ जो हमने पहली स्लाइड के अंदर देखा था। अब रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंगली हमने ये चीज चेक करनी है, ठीक है। मेरे पास वापस वही स्लाइड्स आ गई, ठीक है। अब मैं कंपैरिजन करूंगा रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प के साथ, ठीक है। अब पहले बिकर के अंदर आ रहा है कॉपर सल्फेट प्लस जिंक, अब मैं चेक करूंगा अगर तो जिंक हाई मोर रिएक्टिव देन कॉपर निकल के आया तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अक्कर करेगी, अदरवाइज अक्कर नहीं करेगी। अब चेक करो, जिंक मेरा यहां पर पड़ा हुआ है, ठीक है, कॉपर मेरा यहां पर पड़ा हुआ, इट मींस ये मोर रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है, ठीक है। इसी तरह से मैंने क्या सीखा था, मोर रिएक्टिव मेटल विल डिस्प्लेस, मतलब यहां पर मेरी रिएक्शन अक्कर करेगी, यहां पर मेरी रिएक्शन क्या करने वाली है, अक्कर करने वाली, तो ये जिंक डिस्प्लेस कर देगा इसे, जिंक ने इसे डिस्प्लेस किया और क्या निकल के आया, जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। किसकी हेल्प के साथ कर रहा हूं, दिमाग में क्या चल रही है, रिएक्टिविटी सीरीज चल रही है। सो रिएक्टिविटी सीरीज को आपको याद करना पड़ेगा इन ऑर्डर टू परफॉर्म दी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस अगर करना चाहते हैं तो रिएक्टिविटी सीरीज मेरे दिमाग में होनी चाहिए। पहली रिएक्शन समझ में आ गई सभी को, ठीक है, सभी को आ गई। देन अगली रिएक्शन पे जाते हैं, देन आगे मेरे पास क्या दी हुई है बात, ठीक है, अगली वैल्यू मेरे पास क्या निकल के आ रही है, ध्यान से देखें, अगली वैल्यू निकल के आ रही है कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, कॉपर सल्फेट प्लस आयरन, ठीक है। फिर से मैंने चेक किया, अब आयरन यहां पर प्रेजेंट है, अब कंपैरिजन किसके साथ कर रहे हैं, कॉपर के साथ, तो आयरन ऊपर है तो मतलब मोर रिएक्टिव है देन दैट कंपेयर टू दी कॉपर, तो ये यहां पर क्या हो गया, लेस रिएक्टिव, तो मींस मेरी यहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अक्कर करेगी, तो क्या बनेगा, आयरन विल डिस्प्लेस कॉपर, आयरन डिस्प्लेस कर देगा कॉपर को, तो क्या तैयार कर देगा, कॉपर सल्फेट, आयरन सल्फेट सॉल्यूशन प्लस कॉपर। समझ में आ रहा है यहां तक, क्लियर है यहां तक, ठीक है। देन अगला जिंक सल्फेट प्लस कॉपर, अगली रिएक्शन में क्या निकल के आ रहा है, अब मैं यहां पर लिख रहा हूं इसे जिंक सल्फेट प्लस कॉपर। अब यहां पर जिंक को चेक करते हैं, जिंक ऊपर है कॉपर नीचे है, ठीक है, ये लेस रिएक्टिव है, दिस इज लेस रिएक्टिव, अगर लेस रिएक्टिव आ जाएगा तो नो रिएक्शन निकल के आएगी, हम क्या लिखने वाले हैं यहां पर, नो रिएक्शन मीन्स लेस रिएक्टिव मेटल कभी भी डिस्प्लेस नहीं करेगा हाई रिएक्टिव मेटल को, ठीक है, लेस रिएक्टिव मेटल कभी भी डिस्प्लेस नहीं करेगा हाई रिएक्टिव मेटल को, क्लियर है यहां तक, यस सर, इजी है ना, इजी टू अंडरस्टैंड है, हां जी बेटा, छवि ऐसा कुछ नहीं होता, आप जिसे मर्जी आगे पीछे लिख सकते हो, इसमें कोई इश्यूज नहीं है, नहीं ऐसा कोई इश्यूज नहीं है, पता नहीं क्या बोले जा रहे हैं आपके टीचर, ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सर सेम चीज हमें भी बोली हुई है, आप मेरे ख्याल से आपने एक बात सुनी नहीं थी तरह से मैडम की, ठीक है, मैं बताता हूं मैडम ने क्या बोला होगा आपको, ठीक है, मैडम आपको रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर आपको जिंक के बारे में बता रहे होंगे, ठीक है,
रिएक्टिविटी सीरीज के अंदर। अब यहां पर तो मुझे मुझे याद रखना है ना कि जिंक इज हाईली रिएक्टिव के लो रिएक्टिव है, ठीक है। ये रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस के ऊपर आपका टीचर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा होगा, रिएक्शन के बेसिस के ऊपर एक्सप्लेन करने की कोशिश नहीं कर रहा, ठीक है। जिंक बेटा लिखना है, ऐसा कोई रूल नहीं है, टू बी वेरी फ्रैंक अगर मैं आपको सीधा बताऊं ऐसा कोई रूल नहीं है, ठीक है। हाँ अगर आप जिंक को पहले लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो, ऐसे कोई इश्यूज नहीं है हमारे पास, ठीक है। ये तो ये सिंपल सी बात है कि अब मुझे थोड़ा ना मालूम है, अब जैसे कॉपर है, कॉपर लेस रिएक्टिव है देन दैट ऑफ जिंक, ठीक है। अब आपको तो देख के ही पता चल जाएगा पेपर में, ये तो आपको हिंट हो गया ना पेपर में सीधा ही। मैं पूछ रहा हूं कि रिएक्शन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अक्कर करेगी कि नहीं करेगी, तो ये तो रट्टे वाली बात होगी ना। हाँ जिसके अंदर मेटल आगे लिखा हुआ है तो वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अक्कर करेगी, जिसके अंदर मेटल पीछे लिखा हुआ है वहां पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अक्कर नहीं करेगी, ऐसा तो कुछ नहीं है बेटा। वो तो आपको चेक करना है डिस्प्लेस, आपको रिएक्टिविटी सीरीज याद रखनी है, वहां से आपको देख के पता चलेगा कि वेदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल अक्कर और नॉट। उसमें जिसे मर्जी आगे पीछे रख लो, ऐसा कोई इश्यूज नहीं है कि हाँ, क्योंकि जब आपको चेक करने के लिए आएगा ना कि वेदर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल अक्कर और नॉट, तब किसी चीज को भी जिंक सल्फेट को आगे लिख सकता है, कॉपर को पीछे लिख सकता है, कॉपर को आगे लिख सकता है, जिंक सल्फेट को पीछे लिख सकता है, तो ऐसा कोई इश्यूज नहीं है, ठीक है ना। कोई और बात आपको मैडम रिएक्टिविटी सीरीज के बेसिस के ऊपर यह बात करने की कोशिश कर रही होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बेसिस के ऊपर यह बात नहीं निकल के आ रही, क्लियर हो रही है बात। रिएक्टिविटी सीरीज को अगर वो एक्सप्लेन कर रहा है ना, रिएक्टिविटी सीरीज में जिंक ऊपर लिखना है, कॉपर के जिंक को आगे लिखना है, देन दैट ऑफ कॉपर, लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए ऐसा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। है छवि है ना, मेरी बात में पॉइंट तो निकल के आ रहा है ना, ठीक है ना। सो ऐसे इश्यूज नहीं है, कोई और बात बोल रहा होगा मैडम टीचर आपको, आपने ध्यान नहीं दिया होगा या सुनने में कोई गलती होगी होगी। चलो मैं आ रहा हूं डी बीकर के ऊपर, डी बीकर के ऊपर मेरे पास क्या यहां पर क्या निकल के आ रहा है, Fe(SO4) प्लस कॉपर, मैंने फिर से चेक किया, ठीक है। ये वाला मेटल मेरा मोर रिएक्टिव होना चाहिए, अगर मोर रिएक्टिव नहीं है, ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल नॉट अकर। अब मैं चेक कर रहा हूं कॉपर, कॉपर क्या आ रहा है नीचे आ रहा है, आयरन क्या आ रहा है ऊपर, तो ये मेरा क्या मोर की बजाय क्या आ रहा है लेस, मोर की बजाय क्या हो गया लेस। अगर ये लेस रिएक्टिव है तो ये इसे क्या कर देगा डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा, तो यहां पर भी क्या निकल के आएगा नो रिएक्शन निकल के आएगा, यहां पर भी मेरा क्या निकल के आएगा नो रिएक्शन निकल गया, क्लियर हो रही है बात, ठीक है जी। तो ऋषि भी नहीं लगा रहा क्लासेस, ना मैंने ध्यान नहीं दिया, ऋषि भी नहीं लगा रहा ना क्लासेस, करता हूं आज मैं फोन से। देन लास्ट वाला खुद करके देखिएगा, हम आगे बढ़ रहे हैं। अब डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का काफी हद तक हमें क्लियरेंस हो गई है, अब एक एक्टिविटी देखते हैं आगे, ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास यहां पर पहले से एम लिख दिया मैंने, ठीक है, आयरन इन कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, आयरन इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। मटेरियल क्या क्या चाहिए इसके लिए, मुझे मुझे एक बिकर चाहिए, आयरन नेल चाहिए, कॉपर सल्फेट चाहिए, टेस्ट ट्यूब भी चाहिए, यहां पर टेस्ट ट्यूब लिखना भूल गया, ठीक है, टेस्ट ट्यूब भी चाहिए, ठीक है। तो मेरे पास रिएक्शन कैसे निकल के आएगी हम उसके ऊपर बात करते हैं, ठीक है, मेरे पास एक्टिविटी कैसे निकल के आएगी हम उसके ऊपर बात कर लेते हैं, ठीक है जी। अब आप ध्यान से देखिएगा, ठीक है, इस एक्टिविटी को ना टाइम लगता है। दिस इज द आयरन नेल, ये ब्लू कलर का कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन आपका, मैंने एक बिकर के अंदर कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को ले लिया, ठीक है, उसके अंदर मैंने आयरन नेल इंसर्ट कर दिया, एंड दिस रिएक्शन इज गोइंग टू टेक सम टाइम, एक दो घंटे कम से कम लग जाते हैं इस रिएक्शन को करने में, ठीक है। अब आप देख सकते हो रिएक्शन अक्कर करनी शुरू कर दी है आयरन की और कॉपर सल्फेट की, ठीक है, और ये कौन से रिएक्शन निकल के आ रही है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों निकल के आ रही है, ध्यान देते हैं इस बात के ऊपर, व्हाई दिस इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, मैंने रोका इसे बिकॉज आयरन, ठीक है, क्या निकल के आएगा आयरन,
अब आप अगर ध्यान दो इस बात के ऊपर, ठीक है, आयरन जो निकल के आ रहा है इज मोर रिएक्टिव, आयरन इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो आयरन, आयरन नेल को अगर आप कॉपर सल्फेट में करोगे तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विल अक्कर, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या करेगी, अक्कर करेगी। तो वही चीज दिखाने की कोशिश कर रहे हैं एक्टिविटी में, ठीक है। आयरन को जब मैंने कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में डाला तो आयरन का हल्का हल्का कलर चेंज होना शुरू हो गया, इट मींस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अक्कर करनी शुरू कर दी, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हैज ऑलरेडी स्टार्टेड, उसने अक्कर करना शुरू कर दिया, ठीक है। तो होगा क्या, आयरन नेल को दोबारा उसने बीच में डाल दिया, ठीक है। अब दो तीन घंटे लग जाएंगे इसे, ठीक है। अब धीरे धीरे कलर में चेंज आना शुरू हो जाएगा, ठीक है। कलर, अब कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन का कलर चेंज होके जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी तो ग्रीन कलर का निकल के आ जाएगा। अब जो ये नया सॉल्यूशन निकल के आ रहा है, ठीक है, अब आयरन जो जितना आयरन नेल उसके अंदर इंसर्टेड था वो पूरी तरह से खराब हो चुका है, ठीक है, पूरी तरह से खराब हो चुका है, ठीक है। इट मींस अब ये जो ग्रीन कलर का मेरे पास मटेरियल निकल के आ रहा है यहां पे, ठीक है, दिस ग्रीन कलर मटेरियल इज आयरन सल्फेट Fe SO4, ठीक है। और रिएक्शन क्या निकल गया है? मैं नीचे लिख रहा हूं, रिएक्शन क्या निकल गया है? कॉपर सल्फेट प्लस आयरन चेंजेस टू फॉर्म आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, इस तरह से निकल गया है। कॉपर सल्फेट प्लस आयरन क्या निकल गया है? आयरन सल्फेट प्लस कॉपर, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अक्कर की, अब ये इनिशियली अगर चेक करूं, ठीक है, अगर ये इनिशियली इसका कलर क्या निकल के आ रहा था? ब्लू कलर निकल के आ रहा था, ठीक है, ये रहा ब्लू कलर का निकल के आ रहा था। अब जब ये रिएक्शन तीन चार घंटे के बाद कंप्लीट हुई तो ये ग्रीनिश कलर का हो चुका, इट मींस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अक्कर कर चुकी है। क्लियर हुआ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कैसे अक्कर करती है? क्लियर है? आगे बढ़े, कोई डाउट है इस पर पूछना कुछ? डाउट है तो पूछो, है कोई डाउट? चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं। सो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वेरी मच श्योर मत क्लियर, ठीक है। उसके लिए आपको याद क्या करना है? रिएक्टिविटी सीरीज याद करनी है। सो प्लीज रिएक्टिविटी सीरीज अपनी एनसीईआरटी में बीच में से मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर के बीच में से याद कर लीजिएगा रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे बढ़ते हुए जा रहे हैं। देन अब आपको ये क्वेश्चन नोट कर लो, ठीक है, यू हैव टू कंप्लीट दिस क्वेश्चन। रिएक्टिविटी सीरीज को दिमाग में रखिए, सामने रखिए, अब मुझे चेक करके बताइए कि वेदर यहां पर ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है कि नहीं है, ठीक है। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने सही लिखी हुई है कि गलत लिखी हुई है, ये चेक करके बताइए मुझे। रिएक्टिविटी सीरीज को दिमाग में रखिए, देखिए लेड की पोजीशन देखिए और कॉपर की पोजीशन देखिए, ठीक है। लेड इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर, यही निकल के आ रहा है, ठीक है। यहां पर क्या हो रहा है? लेड इज, ठीक है, लेड को क्या कहते हैं? पीबी के साथ डिनोट करते हैं, इज मोर रिएक्टिव देन कॉपर। तो ये क्या करेगा? ये इसे डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस करके इसने लेड क्लोरेट क्लोराइड, लेड क्लोराइड का सॉल्यूशन तैयार कर दिया, ठीक है। सिमिलरली अगेन कॉपर, ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज में चेक करके देखिए, कॉपर इज मोर रिएक्टिव देन एजी। एजी क्या होता है? सिल्वर। एजी इज सिल्वर, ठीक है, कॉपर का सीयू। अगर ये मोर रिएक्टिव है तो ये इसे डिस्प्लेस कर देगा, डिस्प्लेस करके ये अपना सॉल्यूशन तैयार कर देगा। सो दीज आर सम मोर एग्जांपल्स, ठीक है, ऑफ डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नोट कर दो इसे, ठीक है। चेक करने का एक ही मेथड है विद द हेल्प ऑफ रिएक्टिविटी सीरीज, रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प के साथ ही चेक कर सकता हूं, अदरवाइज नहीं, ठीक है जी। देन आगे बढ़ रहा हूं, देन
मेरी अगली रिएक्शन निकल के आ रही है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का ना पहले तो जनरल फॉर्मूला लिख लो, इसके अंदर होंगे क्या, इसके अंदर दो दो कंपाउंड्स हैं मेटल्स के, ठीक है, ए रिएक्शन इन्वॉल्विंग द एक्सचेंज ऑफ आयंस बिटवीन द रिएक्शन टर्म्ड एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसे क्या नाम दे दिया जाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का नाम दे दिया जाता है। इसमें ए एंड सी आर कटाइन मींस पॉजिटिव आयंस है, बी एंड डी आर अनायंस दैट इज नेगेटिव आयंस। अब समझते हैं ए एंड सी कटाइन क्या होते हैं, इसके ऊपर समझते हैं, बच्चों को नहीं याद होगा ये क्या होते हैं, ठीक है, ध्यान से समझते हैं इसे बेटा जी। जो पॉजिटिव आयंस होते हैं ना, पॉजिटिव आयंस आर ऑलवेज मेटल्स, ठीक है, अब ये मेरे क्या है, मेटल्स, ठीक है, वेयर एज नेगेटिव आयंस आर ऑलवेज नॉन मेटल्स, ठीक है। इसमें ए को क्या बोला एंड सी को क्या बोला, दीज आर नोन एज, ये दोनों के दोनों क्या है, मेटल्स है, ये दोनों के दोनों क्या है, मेटल्स है, वेयर बी एंड डी आर नॉन मेटल्स। अब ये ध्यान रखिएगा, इसके अंदर नोट कर लो, ए एंड सी आर कटाइंस दैट इज पॉजिटिव आइंस, पॉजिटिव आइंस का मतलब क्या है, दीज आर मेटल्स, ठीक है, बी एंड डी आर अनायंस दैट आर नेगेटिव मेटल्स, उन्हें क्या बोलते हैं, नेगेटिव मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। अब आपने क्या पढ़ी है, पीछे रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है, ठीक है, आपने क्या पढ़ा है, पीछे रिएक्टिविटी सीरीज पढ़ी है हमने, दिस इज द रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज, ठीक है, ये रिएक्टिविटी सीरीज इज ऑफ मेटल्स, ये मेटल्स के लिए पढ़ी है हमने। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज हमने किसके लिए पढ़ी है, मेटल्स के लिए पढ़ी है। अगेन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में ध्यान क्या रखना है, ये याद रखने वाली है, ये रिएक्टिविटी सीरीज को ध्यान में रखना, ठीक है। अब ये रिएक्टिविटी सीरीज को अगर मैं ध्यान में रखता हूं, ठीक है, ऑफ मेटल्स, तो मुझे समझ में आता है आगे चल के डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर होगा क्या, अगर ये सी, अब दोनों में से कोई एक हाईली रिएक्टिव होगा एक लो रिएक्टिव होगा, ठीक है। अब ये C एंड A जो मेटल्स हैं, ये एक दूसरे की पोजीशन चेंज कर देंगे बस, और ये होगी होगी, ऐसा नहीं है कि इसमें नो रिएक्शन अक्कर करेगा कभी। एक लो रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड है, एक हाई रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड, मैं क्या बोल रहा हूं ध्यान दो, वर्डिंग लिख लो, चाहे लो रिएक्टिव मेटल्स कंपाउंड, दूसरा क्या है, हाई रिएक्टिव मेटल्स कंपाउंड, इसके ऊपर ध्यान दीजिए, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के अंदर मेरे पास क्या निकल के आ रहा है, अब मुझे नहीं मालूम, देख के पता चलेगा, बाद में पता चलेगा जब मेटल्स आएंगे, लेकिन आप याद रखिएगा ये ए बी और ये सी डी, ये दो प्रॉपर्टीज में से कोई एक दोनों के साथ लाई करेगी, एक लो रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड होगा, एक हाई रिएक्टिव मेटल का कंपाउंड होगा, ठीक है। पॉजिटिव आयंस क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं, क्लियर हो रही है यहां पर, ठीक है। तो अब ये रिएक्शन करनी कैसे, आगे बढ़ते हैं, आगे जाके और क्लियर होगी। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास रिएक्शन लिखी हुई है, ठीक है, मेरे पास ये एक रिएक्शन लिखी हुई है। अब आपको याद होगा रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में, रिएक्टिविटी सीरीज के बीच में हाइड्रोजन भी था, सोडियम भी था, ठीक है। अब रिएक्टिविटी सीरीज को चेक करो तो सोडियम ज्यादा रिएक्टिव था, तो क्या करेगा, सोडियम रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, ठीक है, हाइड्रोजन इधर आ जाएगा, सोडियम इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर चला जाएगा, ठीक है। सो यही अक्कर कर रहा है, ठीक है, सोडियम किसके साथ आ गया, क्लोरीन के साथ, सीएल के साथ, दिस इज क्लोरीन, हाइड्रोजन किसके साथ आ गया, सल्फर के साथ, ठीक है। तो इसे कहते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, दो मेटल्स ने एक दूसरे को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, दिस इज नोन एज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें सोडियम एंड हाइड्रोजन आर पॉजिटिव आइंस, वेयर एज सल्फर एंड क्लोरीन आर नेगेटिव आइंस। सर बस हर बार डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में करना यही है, एक दूसरे को इंटरचेंज कर देना बस,
ठीक है, बस पता कैसे चलेगा, रिएक्टिविटी सीरीज याद हो तब जाके पता चलेगा हमें, ठीक है जी। आगे बढ़ रहा हूं, मूविंग फादर, क्लियर है ना यहां तक? अब मेरे पास यहां पर एक एक्टिविटी निकल के आ रही है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की मैंने यहां पर एक्टिविटी लिखी है, ठीक है। अब एक्टिविटी देखते हैं, इसे क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब एम नोट कर लो, अब यहां पर मैं डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन कर रहा हूं, रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, दिस इज ऑल्सो, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, उसने साथ में लिख लिया, तो क्लासिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन, मतलब आपको क्लासिफाई भी करनी है कि कौन सी टाइप निकल के आई, ठीक है। रिएक्शन बिटवीन लेड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, ठीक है, पोटेशियम आयोडाइड। अब आगे देखते हैं क्या बोल रहा, मटेरियल कौन कौन से चाहिए, नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड के ये मटेरियल्स मिल जाते हैं मार्केट में, टेस्ट ट्यूब्स चाहिए मेरे पास। अब ये रिएक्शन आ गया, एक टेस्ट ट्यूब व्हाइट जिसमें पानी पानी नजर आ रहा है वहां पर पोटेशियम आयोडाइड है, और जिसमें थोड़ा सा पाउडरी नजर आ रहा है वो लेड नाइट्रेट है। एक दूसरे को मिक्स किया, जैसे ही मिक्स किया तो उसका कलर चेंज हो गया, येलोइश कलर का हो गया, इट मींस ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करवा रहा, ठीक है। स्टॉप करके देखते हैं इसमें एक बार, हुआ क्या, ठीक है, हो क्या रहा, इट मींस ध्यान से समझिएगा इस बात को, ठीक है, ब्लैक कलर के साथ लिख रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, मेरे पास क्या प्रेजेंट है, पहले पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट है, ठीक है, मेरे पास क्या प्रेजेंट है, पोटेशियम आयोडाइड प्रेजेंट है, के आई, ठीक है, के आई प्रेजेंट है, इधर क्या प्रेजेंट है, लेड नाइट्रेट। तो लेड ने क्या किया, पोटेशियम को रिप्लेस कर दिया। अब इसका कलर क्या निकल के आ रहा, प्लेन, इसका कलर क्या निकल के आ रहा, क्लियर, वाटर की तरह, इसका कलर क्या निकल के आ रहा, वो वाइट। अब जब इसने इसे रिप्लेस किया, रिप्लेस करने के बाद मेरे पास क्या निकल के आया, लेड आयोडाइड, लेड आयोडाइड का कलर क्या निकल के आ रहा है, येलोइश निकल के आ रहा। जैसे ही मैंने उसे उसके बीच में मिक्स किया तो लेड आयोडाइड का कलर मेरे पास क्या निकल गया है, येलोइश निकल गया है। समझ में आ रहा है रिएक्शन, ठीक है। सो मूविंग फर्दर, मैं जब आगे बढ़ा तो मेरे पास क्या 15 मिनट्स रखा हमने, जब 15 मिनट्स इसे रखा तो हमें नीचे क्या मिलना शुरू हो गया, पाउडर लाइक सब्सटेंस, ठीक है, तो उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स, उसे बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स। अब केमिकल रिएक्शन क्या आ रही है, नोट कर लो इसे, दिस इज द केमिकल रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अक्कर करने के बाद केमिकल रिएक्शन निकल के आ गया, वो क्या निकल के आ रहा है, येलो प्रेसिपिटेट, मैंने आपको यही बताया, येलो प्रेसिपिटेट्स निकल के आ गए डबल डिस्प्लेसमेंट के रिएक्शन के बाद, ठीक है। जैसे ही मिक्स किया था डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अक्कर किए, येलो कलर का हो गया, तो ये डिस्प्लेसमेंट इन्होंने करके दिखाई आपको, ठीक है जी, नोट कर लो रिएक्शन। So this is known as double displacement reaction, या इसे बोलते हैं precipitation reaction. Note कर लो, आपको exam में कभी कभी double displacement reaction को precipitation reaction भी बोल देते हैं, ठीक है। Double displacement reaction is sometimes known as precipitation reaction. Clear हो रही है बात?